हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज का हमारा टॉपिक है NTA नेट दिसंबर 2019 होम साइंस से रिलेटेड स्टैट्स का है। टाइप्स ऑफ डाटा एंड मेजरमेंट स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल स्केल क्या होता है? ये जितने भी स्केल्स हैं सारे हमारे मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आता ही आता है इन स्केल से रिलेटेड। सो नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जो यूज़ किया जाता है लेबलिंग वेरिएबल्स को बिना किसी भी क्वांटिटेटिव वैल्यू के, मतलब उसमें कोई भी क्वांटिटी मेंशन नहीं होती, इसको हम लेबल्स भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल फीमेल, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। और व्हाट इज़ योर हेयर कलर, ऑप्शंस है, वेयर डू यू लिव, ये सब जो हैं ये सारे हमारे क्वांटिटी से कोई भी मैच नहीं करता, ठीक है। नॉमिनल का मतलब नेम, या नॉमिनल स्केल क्या है, किसी भी लेबल से, किसी भी नेम से कंसीडर करते हैं। इसके सब टाइप नॉमिनल स्केल के होते हैं, दो कैटेगरीज, जैसे कि जिन भी दो कैटेगरीज की बात करते हैं तो वो होता है हमारा डाइक्रोमोट्स, और बाकी कोई भी सब टाइप ऑफ नॉमिनल डाटा होते हैं वो है नॉमिनल विद ऑर्डर्स, जैसे कोल्ड, वार्म, हॉट, वेरी हॉट, या नॉमिनल विदाउट ऑर्डर, जैसे मेल और फीमेल। गेट इट? सो नेक्स्ट हमारे स्केल की बात करते हैं तो है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ये टिपिकल मेज़र होता है नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट का, मतलब कि इसमें कोई भी न्यूमेरिकली कंसेप्ट्स नहीं होते हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट एंड सो ऑन। ये ईजी से हम रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि ये साउंड कैसे करते हैं, ऑर्डर के वे में, है ना, और इसको ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। जैसे कि हाउ डू यू फील टूडे, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, या हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद आर सर्विसेज, तो इसके अंदर भी हम इसको अपनी सेटिस्फेक्शन से, हैप्पीनेस या डिस्कम्फर्ट या कम्फर्ट से मेज़र कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनल स्केल। अगला है हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है? ये न्यूमेरिक स्केल होता है जिसमें हम दोनों चीज़ें, ऑर्डर को भी और एग्जैक्ट उसके डिफरेंस को भी, जो भी वैल्यू होती है उसको कंसीडर करते हैं, जैसे कि सेल्सियस टेम्परेचर, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका एग्जाम्पल है। देन रेशियो स्केल, ये हमें ये बताता है ऑर्डर के बारे में, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में, किसी भी दो यूनिट्स के बीच की जो वैल्यू होती है, किस एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में, ठीक है, और वाइड रेंज किस चीज़ की, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, एग्जाम्पल हाइट, वेट, ड्यूरेशन। तो ये किसी भी दो चीज़ों को मेज़र करता है और उसके बारे में हमें बताता है, रेशियो स्केल। सो होपफुली आपको ये स्केल समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे।